हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच 22 रेसिपी। आज हम बनाएंगे एक ही बैटर से सेट डोसा और अपम, और उसके साथ सर्व की जाने वाला हम स्ट्यू भी बनाएंगे, वो भी रिच कोकोनट ऑयल और कोकोनट मिल्क से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और आप पूरा वीडियो स्किप किए बिना देखिएगा ताकि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप भी घर पर सेम ऐसी रिच डिश घर पे आसानी से बना सकें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप भर के राइस लिया हुआ है, ये कोई भी आप राइस ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जो खिचड़ी बनती है ना, वो राइस लिया हुआ है। अब इन राइस को हम अच्छे से 2-3 पानी से अच्छे से रगड़ के वॉश करेंगे ताकि उसमें जो मड है वो आसानी से निकल जाए, और बाद में इसमें हम 2-3 कप पानी भरकर डालेंगे और इसे अच्छे से भिगो देंगे। 2-3 घंटे के लिए हम इसे भिगो के रखेंगे ताकि जो चावल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इसे हम 2-3 घंटे के लिए अभी भिगो के साइड में रख लेते हैं, और 2-3 घंटे के बाद आप ये देखिए राइस जो है वो कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है, मतलब जो हमारा चावल है वो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। तो इतना आपको ये स्टेज तक आपको भिगोना है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा जो हमने चावल को भिगोया था वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 2-3 बड़े चम्मच भर के मैंने यहाँ पे जो हमारा चावल है वो डाल दिया है, और उसके साथ हम 1 कप भर के फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ड्राई कोकोनट यूज कर सकते हो, पर इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा, सो आप यही यूज करें तो ज्यादा बेटर है। अब इसमें 1/4 कप जितना हम पानी डालेंगे ताकि जो बैटर है वो अच्छे से स्मूथ बने। यहाँ पे हमें स्मूथ बैटर बनाना है, ठीक है। तो अब इसे हम ढक के मिक्सी जार में पीस के मिक्सी जार में एक अच्छा सा बैटर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपको ऐसा बैटर बनाना है, एकदम शाइनी और स्मूथ। अब इसे हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, और जो बाकी का जो चावल बचा है उससे भी हम सेम तरीके से पेस्ट बना लेंगे। उस टाइम पे हमें फ्रेश कोकोनट नहीं डालना है। अब ये बैटर जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, ठीक है, तो हमें इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। तो मैंने क्या किया है, जो मिक्सी जार में हमने प्यूरी बनाई थी ना, जो बैटर बनाया था, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी में डालती जा रही हूँ, और उससे पानी में इस बैटर में ले रही हूँ ताकि जो उसमें जो बचा कुचा है वो भी बैटर में आ जाए। अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तब तक जब तक ये थोड़ा सा पतला बैटर नहीं बन जाता, मतलब यहाँ पे हमें डोसा जैसा बैटर बनाना है, प्योरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है, ठीक है। अब इसे हम ना साइड में रखते हैं, हमें इस बैटर को थोड़ा सा फर्मेंट करना है, ठीक है। तो हमें उसी जो बैटर हमने बनाया था उसी बैटर में से हम 2 बड़े चम्मच भर के एक पैन में, नॉनस्टिक पैन में बैटर लेंगे। अब इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं और उसमें 1/2 कप जितना पानी डालेंगे, और फिर उसे चम्मच की मदद से यानी कि स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और मीडियम आंच पे हम इसे पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये एक अच्छी सी प्यूरी जैसा नहीं बन जाता, ठीक प्यूरी जैसा नहीं बन जाता, तब तक हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। लगभग 2-3 मिनट के बाद ये अच्छे से प्यूरी, देखो ये अच्छे से प्यूरी बन चुकी है। तो हम इसी प्यूरी को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे, और इसे हमने जो बैटर बनाया था उस बैटर में इसे डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमारा बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें उसे 8 घंटे के लिए हम इसे साइड में रखेंगे। तो बस इसी प्यूरी को हम ये बैटर में डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लंप फ्री बैटर हम बना लेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए, इतना स्मूथ हमें बैटर बनाना है। और अब हम इस बैटर को ना ढककर 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए हम इसे फर्मेंट होने रख देंगे, ठीक है। और दूसरे दिन मैंने पूरी ओवरनाइट इसे फर्मेंट होने रख दिया था। ये देखिए, ये कितना अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। एक बार हम इसे मिक्स करेंगे, और अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, मतलब 1 चम्मच भर के थोड़ी सी बूरा शक्कर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे,
और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1/4 चम्मच जितना बेकिंग सोडा डाला हुआ है, जिससे ना टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। और बाद में अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से बैटर को बनाते जाएंगे। यहाँ पे हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए, ठीक है। तो जब तक उस टाइप का बैटर नहीं बन जाता, मतलब जो हमें डोसा के लिए जो बैटर लगता है ना, बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी वाला यहाँ पे बैटर चाहिए आपको। तो जब तक वो कंसिस्टेंसी वाला बैटर नहीं, तो बस तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, हमें ऐसा बैटर बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए, हमें इतनी पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बस इसे हम साइड में रखेंगे और इसके साथ जो सर्व करने वाले हैं ना स्ट्यू, वो बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और अब इसमें हम ना कोकोनट ऑयल डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच, मतलब वो रेगुलर जो खाने वाला चम्मच आता है ना, वो चम्मच भर के हम 2 से 3 चम्मच कोकोनट ऑयल डालेंगे। यहाँ पे कोकोनट ऑयल आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा अच्छे से गर्म करेंगे और ये जब हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हम ना 2 से 3 लौंग डालेंगे, 1 बादिया डालेंगे और 1 बड़ी इलायची डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, मतलब 1/2 चम्मच जितना हम इसमें जीरा डालेंगे और सबको थोड़ी सेकंड के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से करी पत्ते डालेंगे, उसको भी अच्छे से क्रैकल होने देंगे। और अब 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ आप ज्यादा तीखा पसंद करते हो तीखा खाना, तो आप ज्यादा हरी मिर्च भी डाल सकते हो। अब इसे एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। और अब इसमें 2 मीडियम साइज की ऑनियन मैंने स्लाइस करके काट ली है, उसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम लाइट पिंक होने तक कुक करेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक, यानी कि स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाला है, जिससे ना ऑनियन जो है वो जल्दी से कुक हो जाएगी। और 1 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली हुई है, ये भी ऑप्शनल है। आपको अगर ये स्ट्यू में उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक होने देंगे। 1 मिनट बाद ये देखिए, हमें ऑनियन इस स्टेज पे आ जाए तब तक हमें इसे कुक करना है, ज्यादा ओवर कुक इसे हमें नहीं करना है, ठीक है। अब हम इसमें ना सारी जो भी आपको पसंद है वो सब्जी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बीन्स लिए, थोड़े से मटर लिए हुए और 1 से 1.5 आलू चॉप करके लिया, ठीक है। तो मैं इतनी सब्जी डाल रही हूँ, आप चाहो तो गाजर भी डाल सकते हो इसमें, पनीर भी डाल सकते हो। तो बस अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 कप या 1/2 कप जितना पानी डालेंगे और इसे ढक कर अच्छे से कुक होने देंगे। यहाँ पे हमें ना 80% तक इसे कुक करना है। सो जब तक ये 80% तक कुक नहीं हो जाता, तब तक हम इसे ढक के अच्छे से कुक करेंगे। तो ये देखिए, ये 80% तक कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें ना कोकोनट का जो फ्रेश मिल्क आता है, कोकोनट मिल्क आता है, वो 2 कप भर के हम इसमें डालेंगे। इससे ना सब्जी, मतलब जो स्ट्यू है, वो हमारा एकदम रिच बनेगा और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम लगता है। और इस सबको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 चम्मच जितना हमें यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डालना है और इसे भी हम डाल के अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और इन सबको हम 1 मिनट के लिए ऐसे खुले में ही पकने देंगे, मतलब यहाँ पे हमें ढक के नहीं पकाना है। अगर आप ढक के पकाओगे तो ये जो कोकोनट मिल्क है वो फट जाएगा, तो हमें लिड नहीं ढकना है, खुले में ही ऐसे पकाना है, ठीक है। सो 1 मिनट के बाद ये देखिए अच्छे से कुक हो चुका है। तो बस इसे हम ढक के अब साइड में रख देते हैं और हम अब सेट डोसा बनाते हैं। तो चलिए अब डोसा बनाते हैं।
अब डोसा के लिए मैंने जो डोसा वाला तवा आता है वो मीडियम फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले सेट डोसा बनाएंगे। तो सेट डोसा के लिए जो तवा है वो हमें एकदम गरम चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे तवा को अच्छे से गरम होने दे रही हूँ और अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच लेंगे और बैटर को अच्छे से तवे पे डालेंगे। और यहाँ पे हमें उसे चम्मच की मदद से स्प्रेड नहीं करना है, अपने आप ही उसे स्प्रेड होने देना है, ठीक है। और ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर बना है, मतलब ये बबल्स देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं। ये बबल्स आए मतलब हमने बैटर को अच्छे से फर्मेंट किया है, ठीक है। अब इसे हमें लिड ढककर एक मिनट के लिए या फिर जब ऊपर का जो पार्ट है वो अच्छे से कुक हो जाए ना, तब तक हमें इसे लिड ढक के पकाना है। ये ऊपर का पार्ट जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है, मतलब हमारा सेट डोसा जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है, मतलब अच्छे से बन गया है। तो बस इसे हम अब प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा भी हम सेम इसी तरीके से हाई फ्लेम पे एक बड़ा चम्मच डाल के अपने आप ही उसे फैलने देंगे। ये डोसा ना खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, मतलब क्या बबल्स उसके ऊपर आए हैं और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो बाकी के भी हम सारे सेट डोसा सेम इसी तरीके से बना लेंगे। तो अब हम इस सेट डोसा को स्ट्यू के साथ इसे हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आपको वीडियो यहां तक थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा ताकि वो भी ये ऐसी अच्छी अच्छी डिश बना सके। अब हम देखते हैं वो अपम वाला डोसा हम कैसे बनाते हैं। अब हम बना लेते हैं अपम। तो अपम के लिए जो अपम का जो कढ़ाई आता है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और उसमें ऑयल या कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ डायरेक्ट ही हमने जो बैटर बनाया था ना वो 2 बड़े चम्मच भर के हमें बैटर डालना है और इस तरीके से इसे चारों ओर अच्छे से कढ़ाई में फैलाना है और फिर इसे ढक कर हम जब ऊपर का पोर्शन ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता पूरी तरह से, तब तक हमें इसे ढक के अच्छे से पकाना है। ये डोसा ना जो साइड की जो एजिस है ना उधर से क्रिस्पी बनेगा और बीच में से इडली जैसा वो सॉफ्ट बनेगा। तो ये मैंने ढक के इसे पका लिया है। ये आजू बाजू देखिए ये किनारियां अपने आप ही निकलना शुरू हो चुकी है, मतलब ये अच्छे से पक चुका है। तो बस इसे हमें डायरेक्ट ही ऐसे कोई चम्मच की मदद से नहीं, डायरेक्ट ही ऐसे कढ़ाई में से ही निकाल के डायरेक्ट प्लेट में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे, वो अपने आप ही हो जाएगा। एक और मैं आपको ये देखिए बना के दिखाती हूँ, मतलब इसमें ना कोई ऑयल नहीं लगता है तो आप इसे थोड़ा सा हेल्दी भी कह सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी झालियां पड़ रही है और इसे भी मैं ढक के पका लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक ये बीच का भाग जो है वो अच्छे से पक ना जाए तब तक। और ये भी देखिए अच्छे से पक चुका है तो इसे हम ना डायरेक्ट ऐसे ही कढ़ाई से ही प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बात कर रही थी और इसे हम स्ट्यू के साथ सर्व करेंगे। और ये जो स्ट्यू है वो ऐसे अपम में बीच में डाल के फिर उसे ना खाना होता है, तो हम ऐसे गार्निश करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपको हर शुक्रवार को देखने को मिले। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट शुक्रवार को।